हेलो गाइस, अनुभास गार्डन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, सितंबर का महीना ख़त्म होने वाला है, उससे पहले अगर आपने अपराजिता का कटिंग से या फिर शीट्स नहीं लगाया तो लगा लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर आप लोग अगर लगाते हो तो प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, शीट्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो मेरे ये अपराजिता का प्लांट है, देखिए ये बंदर आया था कल, तो बंदरों ने देखिए किस तरह क्या कर दिया है सारा। इसके साथ करेला लगा हुआ था, एक करेला भी खा गया, और ये टहनियाँ भी सारी, मतलब इसके जो बेल है वो भी तोड़ दिया, ये देखिए। तो बंदर आते बड़े नुकसान करते हैं। और ये अपराजिता का प्लांट है मेरे ऊपर तक, ये मैंने फैला रखा था ऊपर, तो ये सारा कुछ तोड़ दिया है। तो मैंने सोचा इससे पहले कि ये बंदर और ख़राब कर दे, तो मैं इसकी कटिंग लगा लेती हूँ। तो गाइस, इसमें शीट्स बनते हैं, आप लोगों ने देखा नहीं है तो देख लीजिए, मटर के दाने के जैसे शीट होते हैं, ये देखिए मटर के दाने की तरह शीट बनते हैं इसमें। अगर आप लोगों को शीट नहीं बनाना है तो आप लोग तोड़ के फेंक दीजिए, मैं भी तोड़ के फेंक देती हूँ। अगर आप शीट्स बनाते हो तो आपके जो प्लांट्स है वो मर जाता है, प्लांट्स को बस शीट बनाने तक ही ज़िंदा रखता है, उसके बाद ये धीरे धीरे सूखता चला जाता है। अगर आप इसके शीट्स बनाने हटाते हो फूल बनने के बाद उसके जो, तो गाइस मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ये जो कटिंग है, कटिंग किस तरह से लगाते हैं, ये देखिए, ये फिर से बीज बन गए। इस तरह से फूल होने के बाद इनको तोड़ दीजिए, नहीं तो आपका प्लांट जो है सूखता हुआ चला जाएगा, क्योंकि शीट्स बनने के बाद प्लांट्स सोचता है कि मेरे काम ख़त्म हो गया, तो अब मुझे मतलब एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, इसलिए धीरे धीरे सूखता चला जाता है। तो आप लोग इसको तोड़ के फेंक दीजिए, और शीट से आप ग्रो करना चाहते हो तो शीट से ग्रो करिए। एक शीट से आप जितने मर्जी चाहे प्लांट्स बना सकते हो। ये शीट्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे लगाते हैं और कटिंग कैसे लगाना है, मैं आप लोगों से शेयर करिए। चलो देखती हूँ। तो गाइस देखिए, ये देखिए इसके शीट्स जो है ऐसे होते हैं, जब पक जाते हैं तो ये इस तरह से काले रंग के बन जाते हैं। तो मेरे पास पहले से पड़े हुए थे, ये और भी है, लेकिन मेरे को अभी दो ही चाहिए इसलिए मैंने दो ही निकाले। ये देखिए, और इसके देखिए जो कच्चे जब होते हैं तो इस तरह के, ये इस तरह के बीज बनते हैं इसके। तो इन शीट को आप लेके और इस तरह से नॉर्मल मिट्टी ले सकते हो और इस तरह से आप लगा सकते हो। मैंने भी इसे सीड से बनाया था, तो उसके बाद मैंने फिर कटिंग लगानी, और कटिंग लगा के भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए, ये मैंने पहले से लगा रखा था, जब बारिश शुरू हुआ था अगस्त में, तब देखिए इस तरह से। तो आप लोग कटिंग से भी इसको तो शीट से मैंने लगा के दिखा दिया आपको, तो ये आप कटिंग से देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से कटिंग ले लीजिए, और ये जो नोड एरिया होता है आप लोगों को यहाँ तक ये इस तरह से ज़मीन में गाड़ देना है। अगर आप इस सीज़न में लगा देते हो तो अगले सीजन तक आपको आसानी से फूल मिल जाएगा, क्योंकि इसके फूल जो है बहुत ही प्रिय होते हैं शिव शंकर भोलेनाथ को, और ये जो है एक पवित्र और बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, घर में लगाना शुभ होता है। इस विषय में मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। अपराजिता जो होता है बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। तो आप लोगों ने नहीं लगाया तो अभी भी लगाने का समय है, सितंबर लास्ट तक लगा लीजिए। इस तरह से देखिए कटिंग, तो मैंने लगा दिया है, और शीट्स भी मैंने दिखा दिया आप लोगों को, शीट लगा के किस तरह से लगा सकते हो। तो आप चाहो तो हज़ारों सैकड़ों जितना चाहो आप लगा सकते हो, जितना मर्जी आप शीट ले सकते हो और लगा सकते हो। तो आप लोगों से मैं शेयर करूंगी, जब इसकी ग्रोथ होगी आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। तो पहले देखिए, ये तो मैंने लगा ही रखा है पहले से ही, और इसकी भी मतलब मैं रिपोर्टिंग करूंगी। इसका जो है बेल नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि इसमें बेल में बहुत परेशानी होती है, बंदर तोड़ देते हैं। तो मैं किस तरह से इसको बूशी बनाऊँगी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो गाइस बने रहिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल अनुभास गार्डन को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।